लिखो कमर्सेंट। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लेते हैं एक आदमी ने 500 मीटर वायर खरीदा, ठीक है, इसका 1/3 पार्ट उसने सेल किया 20% प्रॉफिट पर, ठीक है भाई, बोलेगा रिमेनिंग पार्ट को वो रिमेनिंग पार्ट का प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करो इफ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 10%, ठीक है भाई। देखो जब आपको ओवरऑल पे कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कंबाइंड प्रॉफिट परसेंट पे कैलकुलेशन करनी हो, तो इसको बहुत सिंपल लॉजिक होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट एंड प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस। बहुत सिंपल लाइन होती है, देखो कैसे शॉर्टकट से करेंगे। देखो आपको बोला है टोटल जो आप 500 मीटर लाए, इसका 1/3 पार्ट आपने कितने प्रॉफिट से बेचा, 20% प्रॉफिट से, रिमेनिंग कितना बचा 2/3। ये माना x परसेंट प्रॉफिट से बेच लिया आपने या जो भी आए, अगर ये माइनस आएगा तो प्रॉफिट है, प्लस आएगा तो सॉरी माइनस आएगा तो लॉस है, प्लस आएगा तो प्रॉफिट है। एंड लेट ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कितना दिया हुआ है 10%। तो देखो कैसे करते हैं, मैंने लिखवाया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट एंड प्रॉफिट और लॉस। देखो पहला पार्ट है 1/3, इसमें प्रॉफिट कितना है, तो 1/3 इंटू 20 प्लस 2/3 इंटू एक्स बराबर 10। अरे समझे भाई, ओवरऑल बराबर कर दो, वन लाइन आंसर आ जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 20 प्लस 2x इज इक्वल 30, ये 3 इधर आ जाएगा ना एलसीएम होके, ये हो गया 2x इज इक्वल 10, x इज इक्वल 10/2 और 5%, ठीक है। तो रिमेनिंग पे अभी क्योंकि पॉजिटिव आया है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नोट कर लो। अगर ऐसा होता, माना कि आप कुछ आर्टिकल खरीद लाए, माना आपने सुबह खीरे खरीदे, मान लेते हैं, अच्छा सुबह खीरे खरीदोगे तो बेचने भी जाओगे, अच्छा माना आपने उसमें से 20% खीरे बेचे एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, है ना, फिर बोल देता है 1/3 ऑफ रिमेनिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अच्छा बाई वॉट प्रॉफिट और लॉस परसेंट You should sell remaining cucumber या खीरा, so that overall profit percent is 10%, समझे बात। तो देखो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टोटल तीन पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, पहला पार्ट है 20%, फिर है 1/3 ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग, ये तो तीन पार्ट है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो पार्ट थे। अच्छा ये इस पार्ट पे आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहां पे लॉस होता माइनस ले लेते, समझे, जहां पर लॉस होगा माइनस लग जाएगा। अच्छा ये होने के बाद यहां पूछा एक्स और ओवरऑल कितना है 10%, ओके जरा ट्राई करके दिखाओ। देखो यार मैंने आपको जो मेथड बताया था, अब आपको समझना क्या पड़ेगा, ये जो 20% इसको मैं 1/5 कर सकता हूं, तो अगर परसेंटेज दिया तो 20/100 इंटू कितना प्रॉफिट है 10% प्लस, अच्छा अब अगर मैं 1/5 का प्रॉफिट ले लिया तो बचा कितना, इस 4/5 का 1/3, अब ये बात समझने की है, 4/5 बचा इसका 1/3 और फिर 4/5 का 2/3, इसमें प्रॉफिट है 20, इसमें पूछा x और बराबर है कितना 10%, किस किसने लाइन की थी 80/100 इंटू 1/3 कर सकते हैं, 100 भी तो आना पड़ेगा ना, पार्ट करना पड़ेगा, 1 पे करना पड़ेगा, 80/100 इंटू कर सकते हो आप, 80/100 भी तो 4/5 है, अब सॉल्व कर लो x आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, बस यही चीजें समझने की, एक बार समझ आ गया तो बहुत आसान आ गई चीजें,
हाँ 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 क्या जी? देखो देखो पहले वो समझो, 1/5 में 20% बचा कितना, 4/5, इसके दो भाग हुए, एक हुआ 1/3 उसका यहां पे 10% था ना, इसका 20%, और दूसरा भाग 4/5 का 2/3 का x परसेंट बराबर। देखो 1/3 और 2/3, 1/3 का 2/3 नहीं बचेगा, और बराबर 10%, बस सॉल्व कर। हाँ? अरे रिमेनिंग वर्ड है यार, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, नींद नहीं खुली है मुझे लगता है ये, और इसके बहुत लंबे लंबे तरीके हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर मैं रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, 1/3 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब क्या हुआ, 20% 80% बचेगा, 80/100 करोगे 4/5 आ जाएगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेरी गलती नहीं है इसमें, आपको पढ़ना ही पड़ेगा चीजों को झक मार के, ये शॉर्टकट है, बुक्स में मेथड नहीं है ये वाला, समझे। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, करके दिखाओ इसको, देखते कौन कर पाता है। कंबाइंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता, डायरेक्ट करा जाता है क्वेश्चन, एक लाइन लिखती है केवल। अ मैन बाइज 300 डजन ऑफ बनाना फॉर ₹300। देखो इसमें ना ये जो 300 और ये 300 ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ही सोल्ड 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो 1/3 को इसने बेचा 10% लॉस पर, रिमेनिंग 2/3 एट ए गेन ऑफ 10% ओवरऑल प्रॉफिट। तो देखो 1/3 इंटू -10 प्लस 2/3 इंटू +10, ये आपको सॉल्व करके जो होगा वो आपका आंसर होगा, सीधे सीधे परसेंटेज में आंसर आएगा। ये एलसीएम कितना आ गया, 3, -10 प्लस 20 या 10/3 आंसर। पॉजिटिव आया इसलिए प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आता तो क्या बोलते, लॉस। समझे भाई लोगों, सिंपल अप्रोच है, डायरेक्ट अगर पूछा जैसे करना है, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप पूछे चार पार्ट हो चाहे 10 पार्ट हो, सबका तरीका यही है। एल्जेब्रिक सम लेते हैं, प्रॉफिट इंटू पार्ट या लॉस इंटू पार्ट, समझ मई बात। हो गया, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ओवरऑल जहां भी आपको मैंने जो बताया ये बताना, और किसी बुक्स में नहीं है मेथड ये, ठीक है। अ मैन बाइज 100 kg ऑफ सुगर फॉर ₹2400। पैसे क्वांटिटी का इंपॉर्टेंट नहीं है, बोला है लॉस ऑफ 1/4 स्टॉक एट द लॉस ऑफ 5%। तो देखो 1/4 -5 प्लस बचा कितना इज इक्वल ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए 20%। तो ये कितना 3/4x इज इक्वल 20 + 5/4 85/4 एक्स इज इक्वल 4 × 85/3 × 4 ये तो होगा 85/3 बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, समझे भाई। तो ये हो गया कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस के केस में, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, समझो डिस्काउंट क्या होता है। देखो जब हम बात करते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट किस किस को पता होता है, कस्टमर को भी पता होता है और शॉपकीपर को भी पता होता है, क्यों भाई। अच्छा एमआरपी किस किस को पता होती है, दोनों पता होती है, तो इसी कारण डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी। अच्छा अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल एट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, अब जरा समझना इस बात को। वैसे तो बहुत आसान सी चीजें हैं, यहां पर एक बड़ा था डिस्काउंट फैक्टर DF, आप इस 40% डिस्काउंट को 100 से माइनस करो कितना आएगा 60, और फिर दो प्लेस पर डेसिमल लगा दो 0.6। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में 40% डिस्काउंट हो रहा है तो इसका मतलब ये इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा 0.6, और रूल होता है एमआरपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर
गिव्स यू सेलिंग प्राइस। समझ में आई बात? अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान देना। हाँ, उसी तरह से मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका सेलिंग प्राइस 1200 रुपया है, ठीक है। अभी नोट ना को सुनो पहले एक बात। माना कि एक ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस 1200 है एंड इट इज अवेलेबल एट 70% डिस्काउंट। तो इस 70% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया कितना? 100 - 70 या 30 या 0.3। अब इस 0.3 को आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 1200 गुणा 0.3 करना है, कितना होगा? 12 × 3 = 360। बस इसका मतलब 1200 की चीज कितने की मिल रही है। तो आपको ध्यान के रखना है, सीधे सीधे जो भी डिस्काउंट दिया है उसको 100 से माइनस करो, डेसिमल लगाओ और गुणा कर दो। अच्छा, ये सब चीजें ओरल करनी। जैसे 70% आया तो आपको क्या कहना है? 0.3 इंटू दिस करना है सीधे सीधे, और 12 × 3 = 360 होता है 360। अच्छा, कभी कभी आप दुकानों पर जाते हो ना, तो दुकानों पर लिखा होता है कि प्राइस ऑफ अ सर्टेन ट्राउजर इज 13.99 एंड इट इज अवेलेबल फॉर 40% डिस्काउंट। और आप वहां पर पूछते हो सेल्समैन से, भाई साहब कितने की पड़ेगी? तो वहां मेरे चांटा याद रखना है ना। आपको करना क्या, देखो 13.99 को आप मान लो 1400, एक रुपए का टेंशन मत लो, है ना। और 40% को कर लो 0.6, 14.6 का कितना होता है? 84। तो 840 इज द प्राइस। अरे समझे, कैसे डिस्काउंट फैक्टर को बनाया जाता है, कैसे जल्दी किया जाता है। देखो 14 × 6 करोगे 84 होता है, 84 हो नहीं सकता, 840 या 8400 ये पॉसिबिलिटी, ये हो नहीं सकता बड़ा है, ये बहुत छोटा है, पॉसिबल क्या है 840। अरे समझे, नोट करो इसको। अच्छा सॉल्व करो, ये तो ओरल है, इसको पैन नहीं उठाना इसके लिए। देखो 800 रुपए का है और 30% डिस्काउंट है, तो 0.787 = 56, तो 560 इज द आंसर। समझे, एमआरपी कितनी? 800, डिस्काउंट फैक्टर 0.7, 560 आंसर। क्लियर? अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट एक ही है। एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 200, अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन इट एंड अर्न्स 20% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो बहुत आसान सी बात है, सेलिंग प्राइस क्या होती है? एमआरपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर, ही तो होता है, या सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर। बोलो, सीपी में प्रॉफिट मल्टीप्लाई गुणा कर दो तो वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अच्छा एमआरपी कितनी है? 200, डिस्काउंट फैक्टर 10% डिस्काउंट है ना, 0.9 इज इक्वल सीपी प्रॉफिट फैक्टर। बस सॉल्व कर लो, सीपी आ जाएगी। समझे, कोई नए फॉर्मूले नहीं रखने, लॉजिक समझना है कि सेलिंग प्राइस दो तरह से आती है, एमआरपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर से आती है या सीपी इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर से आती है। जहां जहां जो जो वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ जाएगी सीपी? अरे समझे भाई लोगों, नोट। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, सॉल्व करो। देखो भाई, हाँ, सेलिंग प्राइस क्या होगी? एमआरपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल सीपी इंटू लॉस फैक्टर या लॉस मल्टीप्लायर, ये तो होगा। अच्छा एमआरपी कितनी है? 600, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 40%, तो कितना होगा यहां पर? 0.6। सीपी एक्स मान लो, लॉस फैक्टर 0.8। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखो ये है बात सन 2002 की, एक कंपनी थी अभी भी है पेंटालून, इसने एक स्कीम लिखी बाय वन गेट वन फ्री। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ स्कीम, बाय वन गेट वन फ्री। इसने इंट्रोड्यूस किया बाय वन गेट वन फ्री। लखनऊ में एक शोरूम था इनका, वहां पर जनपद में 3 दिन में पूरा शोरूम खाली हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद एक कंपनी थी कूटॉन्स, इसने डिस्काउंट दिया 50% प्लस 50%। अब मार्केट में जो अनपढ़ आदमी था उसे 100% फ्री मिल रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है। तो जब भी प्लस लिख के हो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है भाई। अगर प्लस लिख के डिस्काउंट लिखे हो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसकी जगह सिंगल डिस्काउंट निकालने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इन दोनों की जगह हम क्या एक सिंगल डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस 50% 50 मतलब क्या है, मान लेते हैं आप कोई चीज 100 की लाए है ना, माना एमआरपी 100 थी, पहला इसका डिस्काउंट कितना है, तो 100 का 50% हो गया 50 रुपए की चीज हो गई। अब जो ये 50 बचा इस पर 50% लगेगा, नाउ इट कॉस्ट 25, तो 100 की चीज कितने की मिल रही है, तो डिस्काउंट एक्चुअल कितना है 75%। भाई 100 की चीज 25 में मिली ना, 75 कम में मिली तो डिस्काउंट हो गया। अच्छा इसके दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है नंबर वन फॉर्मूला मेथड, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन टू डिस्काउंट्स आर गिवन। परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट इज इक्वल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे 50 वाला क्वेश्चन था 50 प्लस 50, तो देखो एक्स हो गया 50 वाई हो गया 50, तो 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 बाई 100 कितना हो गया 75% इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ना ना कैसा भी हो, अगर 40% प्लस 50% तो भी लगेगा, ठीक है। अच्छा इसमें सेकंड फॉर्म मेथड होता है डायरेक्ट रूल। देखो अगर आपको ऐसा दिया हो 50% प्लस 30% प्लस 20%, अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए और पूछा इक्विवेलेंट, तो आप डायरेक्ट लगाओगे। कैसे होगा, मान लोगे ऑब्जेक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, पहला डिस्काउंट कितना है, कितने का बन जाएगा। अच्छा एक तरीका और है, वो आसान भी लगेगा आपको शायद, इससे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मान लेते 100 रुपए चीज है, पहला डिस्काउंट 50, इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा 0.5, दूसरा डिस्काउंट 30 0.7 और लास्ट डिस्काउंट 0.8। अच्छा 8.5 जा 40, ये बचेगा 0.4 इंटू 0.7, दो डेसिमल डालो 28, तो 100 की चीज कितने की मिली, डिस्काउंट कितना है 72%। अरे समझे भाई, अगर 3 डिस्काउंट दियो तो ऐसे कर लेना, 2 में वो लग जाएगा। नोट करो एक कॉन्सेप्ट होता है बाय एक्स गेट वाई फ्री, देखो यार इसमें भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। जैसे किसी दुकान पे लिखाओ बाय 2 गेट 5 फ्री और मिस्टर पप्पू परेशान हो गए, क्या मेरी तो दोस्त की शादी है 60 शर्ट चाहिए, एक यहां जाऊंगा तो 7 शर्ट लेनी पड़ेंगी। तो दुकानदार के पास जाएगा, भाई साहब कुछ समस्या है, मतलब क्या समस्या है कि शादी है मेरे दोस्त की, मुझे 60 शर्ट चाहिए एक और आप दे रहे हो 7, तो कहेगा नहीं भाई साहब हम आपको इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कर देंगे। ये समझे बात, आप एक शर्ट ले लो जो इसके इक्विवेलेंट आएगा वो कर देंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट, समझे भाई। अगर कहीं ऐसा लगेगा तो डरना नहीं, जाके बेधड़क पूछना भाई साहब क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका, और गलत आए तो कैलकुलेशन करके दिखा देना, देख भाई ये फॉर्मूला होता है ना, इसका बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ये होता है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। जैसे ये केस था, बल्कि मैं कहता हूं 2 गेट 5, तो इसका परसेंट डिस्काउंट कितना होगा 5/7 × 100 है ना, ये डिस्काउंट मिलेगा इसको, या 500/7 या 71 होल 3/7% डिस्काउंट मिलेगा इसको।
समझ में आया? अगर वो कोई शर्ट पसंद करता है माना 800 रुपए की, तो इसका डिस्काउंट हो जाएगा इतना इसमें। ऐसा थोड़ी 7 शर्ट लेके आओगे, फायदा क्या होगा, है ना? हमें नहीं पसंद आ रही शर्ट, उसके एक ही पसंद आई है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, समझे? अब एक एग्जांपल करा रहा हूं, नोट कर लिया, बस ध्यान ही रखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी लड़ाई मत कर लेना। जब भी आप सात, उनका तरीका होता है 7 शर्ट पसंद कर लो सर आप, उसमें जो सबसे 2 महंगी होगी उनका प्राइस लेंगे हम, ये तो होता है। यहां मान के चलते सब सब बराबर प्राइस की, हम मान के चल रहे हैं कि सब इक्वल कॉस्ट में है, ठीक है ना? अरे समझ में आया? अगर आप दुकान खोलोगे, जैसे खीरे खोलोगे, दुकान आपने खोली, बोलोगे बाई टू गेट 7 फ्री, वो कहना मेरे घर में तो एक ही चाहिए, कहते एक में क्या डिस्काउंट दूंगा। नहीं, अगर आप एमबीए वगैरह करोगे तो खीरे के ठेले में भी आप एमबीए दिमाग लगा दोगे अपना। नॉर्मल दुकानदार क्या करता है, पानी छिड़कता रहता है ना, और 10 के 4 10 के 4 बेचता रहता है। तुम लोग कुछ इनोवेशन करना, 10 का दूंगा 1 लेकिन 1 के साथ 3 फ्री, है ना? तो आदमी खुश हो जाएगा, फ्री मिल रहा है ना। इंडिया की मेंटेलिटी है फ्री मिल जाए, डिस्काउंट ले ले। मन करता है जब डिस्काउंट वाले पूछा करें बच्चे, तो लगाए चाटा और समझाए पाड़ा उनको। ओके, एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो भाई, 2 दुकानें हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये एक ही तरह का ऑब्जेक्ट सेल कर रहे हैं। ये कहता है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, ये कहता है बाय 1 गेट 3 फ्री, कौन अच्छा, किस पे जाने पर आपको फायदा रहेगा बताओ, किस पे जाने पे आपको फायदा रहेगा? वाई पे जाने फायदा रहेगा। देखो सब सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपए की चीज ये बेच रहा है, 100 की ये बेच रहा है, किस पर आपको कम देना पड़ेगा, वो तो फायदेमंद होगा। तो देखो यहां पर इसका हो गया 50% प्लस 40 माइनस 50 × 40/100, ये तो होगा कितना हो गया 70%। इसका डिस्काउंट कितना होगा 3/4 × 100, 75। कौन अच्छा दे रहा है डिस्काउंट आपको? वाई दे रहा है ना, समझे बात? चलो अभी तक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसको सॉल्व करो जरा। कौन से समझ गए सब लोग? जब क्वेश्चन करते चले ले। हाँ, 80% प्लस 80% ना। देखो इसमें क्या करेंगे, 40 प्लस 40 प्लस माइनस 40 × 40/100, राइट? ये तो करोगे 64%, पहला बी ऑप्शन, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, 40 प्लस 40 इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको फॉर्मूला मैंने तैयार करने के लिए दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, लगा के दिखाओ। थर्टी परसेंट 40 परसेंट 50 परसेंट, मान लेते 100 रुपए प्राइस आई हो, इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा? 100 × 0.7 × 0.3, और 2 डेसिमल डालो, 21 हो गया। 100 की चीज कितने की मिल रही है, 21 की, डिस्काउंट कितना हुआ 79%, क्लियर है भाई? इसका आंसर बताओ। हाँ देखो, फ्री मिल रही है 6 टोटल हो गए 8 × 100, 3 और ये 4, बी ऑप्शन। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, पहले आपने प्राइस बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट दिया, और ये बहुत काटा है। मैं तुम्हें क्वेश्चन से करा रहा हूं, एक लॉजिक समझना जरा। सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट,
एंड एमआरपी। देखो एक मैंने कंपनी का नाम लिया था भी कूटोन्स, ठीक है भाई। इन लोगों ने क्या किया, मार्केट में इतना जबरदस्त गड़बड़ कर दी, गड़बड़ इन द सेंस कि उन्होंने इतना डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया कि दुकानें अच्छी अच्छी दुकानें बंद होने की कगार पर आ गई थी। फाइनली घर ये बंद हो गए। अच्छा इनका प्रोजेक्ट प्रोडक्ट क्या था, माना कि एक शर्ट इनको पड़ी 100 रुपए की, मान लेते हैं सीपी हो गई 100 रुपया, है ना 100 रुपया मान लेते कोई शर्ट बनी इनके यहां 100 रुपया। अच्छा अब इन्होंने डिसाइड कर लिया क्योंकि इनको पता लग गया कि इंडियंस की मानसिकता होती है डिस्काउंट दे दो, आपका कोई चीज 100 रुपए की उसको 1000 रुपए लिख दो, 80% डिस्काउंट दे दो, 200 बिक गई, आदमी भी खुश तुम भी खुश सब खुश, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें प्री डिफाइंड हो गई। अच्छा ये जो कुटॉन्स के जो ये जो फॉर्मूले बनाए गए थे, ये आईएम का एक बंदा था उसने बनाए थे, उसने ये लॉन्च किया था इंडिया में, और इसके बाद फिर बहुत सी कंपनी आ गई इस तरह की। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। खैर तो देखो मान लेते हैं उसने बोला मुझे प्रॉफिट लेना ही लेना 100% और डिस्काउंट दूंगा मैं 70-80%, तो इस सीपी को मैं कितना ऊपर मार्क कर दूं, ये लॉजिक सिखा रहा हूं मैं आपको। परसेंटेज मार्कअप बोलते हैं, परसेंटेज मार्कअप, इसका एक फॉर्मूला होता है, लॉजिक भी होता है। अच्छा अब आपको ध्यान क्या रखना है, सेलिंग प्राइस इधर से आएगी जो इधर से आएगी, दोनों जगह से बराबर होंगी ना। मान लेते ये एक्स रुपए रहा होता, डिस्काउंट कितना है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगी बोलो, 0.2x। अभी बताया था अरे 80% डिस्काउंट इज एमआरपी एक्स है, तो इसका डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 0.2। 80 में से 100 घटा, 100 में से 80 घटा लेना, और इधर से 100% प्रॉफिट हो रहा है, 100 + 100 = 200, डिस्काउंट प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितना होगा 200 × 2। अरे समझे भाई, अभी याद था 50% में 100 जोड़ोगे तो 150, फिर डेसिमल लगाओगे, याद है कुछ रूल, प्रॉफिट यहां पे 100% प्रॉफिट है तो 100। अच्छा ये कितना हो गया 200 = 0.2x, x बराबर 1000, इसका मतलब 100 की चीज को मार्क कर दिया कितना 1000, है ना। और कितना परसेंट अप हुआ, 900% अप, नहीं समझे, 100 की चीज 1000 रुपए मार्क कर दी, कितना अप कर दिया 900 रुपया, और डिस्काउंट दिया 80%, 1000 की चीज का 80% डिस्काउंट 200, शर्ट बिकी कितने की 200 की, कंपनी को फायदा कितना हो गया 100 रुपए का, 100% प्रॉफिट। ऐसा कोई बिजनेस था नहीं, इतना जबरदस्त बूम आया इनकी कंपनी में, ठीक है। अच्छा हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, एक जैसी शर्ट वही शर्ट कार वाला पहन रहा है, वही रिक्शा वाला पहन रहा है, इस कारण कंपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आई, क्योंकि अब इनको अगर इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना लॉस झेलना है। अच्छा लॉस वॉस कुछ नहीं होता, वो जो आप 1000 रुपए की शर्ट में 80% डिस्काउंट लेके आते हो ना, वो शर्ट थी 100 की, वो मार्कअप किया गया। अच्छा और अगर यही शर्ट अब आप गए कूटॉन्स में, ठंडी एसी चल रहा है, निकले तो दरबार ने सलाम मारा, तुम बड़े खुश होते हो यार आज तो एसी से शोरूम शर्ट लेके आए, और वही शर्ट अगर अमीनाबाद में सड़क किनारे फुटपाथ पे बिक्री हो, बोलेगा 150-150 कोई नहीं लेगा, इज्जत का फलूदा होता है। लेकिन जब तुम निकल रहे होते ना कुटोन से, तो गार्ड कहता है एक गधा और बन गया, समझे, वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेते किस चीज के, आपको माल एसी में बेचने का, बाकी कुछ नहीं है। अगर देखो यार एक शर्ट 100 की भी मिलती है, 1000 की मिलती है, 2000 की मिलती है, तो क्या अंतर है बोलो, अंतर कुछ ना कुछ होता है, कपड़े का कुछ ना कुछ अंतर होगा ही, नहीं नहीं मैं देखो अच्छी कंपनी में कपड़े आते हैं, लेदर वॉलेट होता है 50 का भी होता है, 800 का भी होता है, 2000 का भी होता है, समझे क्या अंतर है। तो इसका मतलब कभी भी डिस्काउंट में मत जाना, समझे, क्वालिटी देखना कि क्या क्वालिटी है, समझ गए ना। अच्छा ये बात समझ में आई। अच्छा अब मैं बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मार्कअप का। तो परसेंटेज मार्कअप का फॉर्मूला होता है, बोला जाएगा कितना परसेंट अप कर रहे। अब देखो ये फॉर्मूला फीड कर दिया, अब माना एक शर्ट बन गया 120 रुपए की, फॉर्मूला लगाए एमआरपी अपने आप तय हो जाएगी, कोई ह्यूमन टच ही नहीं है, फॉर्मूला फिट कर दिया, 100 रुपए की शर्ट बनी 1000 रुपए हो गया। तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज मार्कअप का, ये होता है, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना, परसेंटेज मार्कअप प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 - डिस्काउंट % × 100, ये फॉर्मूला होता है,
इतना परसेंट आपको अब करना ही करना है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ तो मैंने लॉजिक बताई चुका हूं आपको। आप डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू 100, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में परसेंटेज मार्कअप वाले, और यही फॉर्मूला आपको ढंग से याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, अब बस आपको जो दिया उसको रखना है। गो, एन ऑब्जेक्ट इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये देखा कितना। अच्छा डिस्काउंट कितना दे रखा है ये पूछा हुआ है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो 20 ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको आगे, प्रॉफिट प्लस 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100, ये हो गया 20 इंटू 90 अपॉन 100 इज इक्वल प्रॉफिट प्लस 10, तो प्रॉफिट कितना हो गया 8%। उस मतलब कैसे करेंगे, सीपी मान लेंगे 100, एमआरपी कितनी हो जाएगी 20% अबव है ना 120, डिस्काउंट कितना है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 108, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आंसर। अरे समझे भाई, 100 मान के 20% अबव कर दिया 120 हो गया, 10% डिस्काउंट कर दिया 108 का बिका, 100 की चीज बिकी 108 की, 8% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। कई मेथड हो सकते जो आपको अच्छा लगे, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट या माइनस आ जाएगा, अगर लॉस होगा तो अपना माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट में प्लस सकते हैं लॉस में माइनस सकेंगे। अच्छा ये करके दिखाओ जरा, मैंने फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू 100, प्रॉफिट कितना है 20, डिस्काउंट भी 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, ये हो गया 40/80 इंटू 100 या 50%। बेचले से करूं, देखो बेसिक देख लो जरा, सीपी प्रॉफिट एसपी डिस्काउंट और एमआरपी, ये ध्यान देना। अच्छा है कुछ नहीं इसमें भी, 100 रुपए मान लिया प्रॉफिट 20% तो कितना हो गया 120, क्यों। अच्छा डिस्काउंट भी 20% है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स इंटू 0.8 बराबर 120, एक्स बराबर 120 अपॉन 0.8 150, 100 की चीज 150 रुपए मार्क की गई, कितना परसेंट अप है। 100 को आप अगर 150 लिख रहे हो तो उसमें 50% अप कर रहे हो आंसर, ये जल्दी हो जाएगा यहां पर। हो गया, चलो ये सॉल्व करो इसको। देखो यार अ कैलकुलेटर इज मार्क्ड एट 800, तो देखो इसकी एमआरपी कितनी है, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, पहले देखो शॉर्टकट देखो जरा ध्यान देना, और ये बड़ी सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान देना। 800 इंटू पॉइंट एक्स या जो भी डिस्काउंट रहा हो, डिस्काउंट फैक्टर यहां पे लिख दिया मैंने, इंटू 0.85 इज इक्वल 544। अरे समझे। अच्छा अब एक चीज नोटिस करो, डिस्काउंट फैक्टर देखो दो डेसिमल हट गए, ये जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा आप तैयार हो जाओगे एग्जाम के लिए 85। अच्छा यहां पर 17 इंटू 5 है, जरा ये देखो ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है। हाँ एक मिनट यार, जो मैं बोला पहले सुनो, ये 17 से कट रहा है ऊपर वाला, 17 नीचे कटेगा कटेगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझो भाई बात, जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा माना 15% आंसर होता तो यहां पर 0.85 आना चाहिए था, 0.85 के लिए 2 बार 17 होना चाहिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है तो, और इसको डबल करो 544 से, क्या ये डबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 17 एक बार कटेगा इससे, एक ही 17 आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 25% को करोगे तो इसका होगा 0.75, 0.75 के लिए 3 चाहिए मुझको, इसमें 3 है कहीं, नहीं हो सकता। 12% के लिए चाहिए 88,
यहां पर चाहिए 11, 11 है इसमें कहीं, आंसर केवल बी पॉसिबल है। ये सोच आपको लानी लानी है। देखो गधा भी करता है क्वेश्चन, घोड़ा भी करता है ना, आपको गधा गधे की तरह काम नहीं करना है। दोबारा बता रहा हूं इस बात को, देखो अब गधा मतलब देख लो इसका, 800 गुणा पहला डिस्काउंट है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, दूसरा है 0.85 बराबर 540। ये तो करोगे इससे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अब हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम तो नहीं है ना। देखो भाई यहां पर है आपके पास 800 इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100, ये तो डिस्काउंट फैक्टर फॉर्मूला बताया था मैंने, 100 में से डिस्काउंट घटाओ अपॉन 100 कर दो, दो डेसिमल लगा दो, इंटू 0.85 बराबर 544। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, 100 माइनस डी अपॉन 100 इज इक्वल 544 इंटू अपॉन 800, या 800 आओ 85 कर लो, ठीक है। अब यहां पर डी के मान ऑप्शन रखेंगे, 15 रखेंगे तो यहां आएगा 85 है ना, और अगर 85 आएगा 17 इसमें होना चाहिए, 17 यहां भी एक बार है, 17 × 5, 17 एक बार कट रहा है, दो बार कट रहा है, इससे एक बार ही कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 25 में अगर मैं 25 रखूंगा यहां आएगा 75, 75 मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या यहां पर 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 के लिए 11 चाहिए, क्या ये 11 का मल्टीपल है, तो केवल आंसर इज बी, समझे।